dürüstüm bağını paramın tutup olmazsın. Şimdi yalın anındı ki विश्वामित्र जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा होगा, तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर वर्ग के साथ जुड़े रहना, कोई धार्मिक समागम हो, कोई राजनीतिक हो, कोई धार्मिक हो, धार्मिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कोई दुशहरा है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, श्री राम नवमी है, कोई शोभा यात्रा है, क्योंकि हमारे गीता मंदिर मॉडल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, माता जी का वो स्वभाव ही, चाहे कोई मंदिर के लिए, चाहे गुरुद्वारे के लिए, कोई संस्था के लिए चले जाए, और इतनी इस कलयुग में माता पिता की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। देखते ही आजकल आप सुनते हैं, माता पिता का ऋण तो हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन देखा कैसा, रेतली दीवार वांगू भूल जाने लोक ने गलाने याद रेंदिया तुर जाने लोक ने रेतली दीवार वांगू भूल जाने लोग ने गलां याद रेंदियां लोग ने जेड़ा गरंटी पुछदा होया ते ओनू कोई जिंदगी गरंटी पुछ लवे तां दे सकदा, पर आपां इस दुनिया च विचरदियां ओहदा जेड़ा सकून बनाया है उस परमात्मा दा जिहड़ी सब तों सुप्रीम ताकत है उहदे च मुदाखलत नहीं कर सकते। विश्वामित्र शर्मा जी बहुत वधिया इंसान सन, मैनूं उहनां नाल बहुत चिर रहिण दा मौका मिलिया। डॉक्टर लेखराज शर्मा साढ़े कांग्रेस के बड़े उगे लीडर रहे हैं, बल्कि दिली दोस्त जिगरी यार, हम दोनों इकट्ठे बैठ कर दुख सुख की बात किया करते थे। आज पंडित जी को हमसे जुदा हुए 11 रोज गुजर चुके हैं। इस 11 रोजा खलीजे गम को पुर करने के लिए आज उनकी याद में किरिया के रूप में ये श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फर्मा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति नु स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र चाहिए कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है,
शास्त्र च लिखे हुए कथन पंडित विश्वामित्र शर्मा जी ते पूरा टुकदा है। 86 साल उम्र, अज उम्र इन्नी सुपना होती जाती है, पूर्णता स्वस्थ रहे, अंत समय कुछ दिन बीमार रहे, पर फर्मा बरदार औलाद डॉक्टर यश शर्मा के रूप में पाई, एक बेटी के रूप में पाई। उन्होंने अपने जीवन के प्यार ही पाया, प्यार ही मंडिया। अज की हाजिरी इसे गल सबूत है। उस विश्वामित्र का आशीर्वाद में उठा हुआ हाथ हमारे सर पर है। मेरा और उनका संबंध, या यूं कहूँ कि मेरा और उनके पिताजी का संबंध बहुत बहुत पुराना है, शायद 60 साल से भी ज्यादा का। सबसे पहली मुलाकात तब हुई जब जिस कॉलोनी को आप लोग आजकल ग्रीन पार्क कहते हैं उसकी आधारशिला और उसकी नींव रखी जा रही थी। 60 साल पीछे सुई घुमाकर देखिए तो वो दो रूहे धूप में खड़े होकर उस कॉलोनी में फ्लड ड्रेन बिछवा रही थी ताकि आने वाले कल में इस इलाके में केरल जैसी कोई त्रासदी न हो सके। ये उन दोनों की दूरदर्शिता का प्रमाण था जो उन्होंने आने वाले कल का उस बीते हुए कल में सोचा और उसको उन्होंने निर्माण पूर्ण रूप देख रखा। मेरी यादें कुछ और पीछे जाती हैं। डॉ शर्मा जी बिल्कुल माँ की तरह, उनकी रसोई में जब कोई बहुत अच्छी चीज बनती और इससे पहले कि उसकी सुगंध हमारे घर तक पहुंचे, उनके घर से एक सुंदर कटोरी सजकर हम सब लोगों के घर के लिए आ जाते थे। समाज वास्ते करते हैं, उन्होंने जान के नाल समाज में एक खला पैदा वैक्यूम क्रिएट होता है। विश्वामित्र जी होना शख्सियत सन, गुरुआ के नाल बड़ा पिंड है, उत्थे जन्म लेके उठो उठ के शहर में आए और पंजाब में उन्होंने लीकर किंग के नाम से जाना जाता है। सब नो बड़े वाइन मर्चेंट पंजाब के, पर आप कभी वाइन टच नहीं की, ये उन्होंने क्वालिटी सी। करोड़ों का बिजनेस, मल्टी ग्रोथ बिजनेस, पर अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनाया, नहीं तो अच चश भी सैकड़े करोड़ का बिजनेस करता है, पर डॉक्टर बनाया क्योंकि उन्होंने जी सोच सी, उन्होंने विचारधारा से जी उन्होंने फिलोसफी सी, आइडियोलॉजी सी, वो समाज की सेवा करती। श्रीनिवास शांत ब्रह्मा शांति सर्वागम शांति 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 सुशांति गजान भोगनाशितम कपित जम्बुलचार कुमार सुखम शोक विनाशी कारगम नमामि वीर सर्वपाद मंगल ओम श्री गण गणपते नमः। मकर कुंड महाकाय सूर्य कोटि स्वर्ण कुर्मिदेव सर्वकारीषु सर्वदा ओम श्री महागणाधिपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
हले हले हले। ओ भूलने वाले, मैं तुझे कैसे भुला दूं? दिया खामोश है, किसी का दिल तो जलता है। हले 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 हले। परम पुरुष पावन परम
Yeah.
Jackson.
शक्ति जगावे, राम राम धुन जगे रमावे, राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सत्संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम के नागे खिल खुलवारे, पतित पावन परम पार, राम राम जप जान, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, सुख कर आवन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनीक, भजते भक्त भाव भरपूर, क्रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन कीर्तन देव विधाता, राम नाम भजते कान जा रहा
ऐसे महान सेवादार पुत्र को जन्म दिया डॉक्टर शर्मा जी, धर्मपत्नी अमिता शर्मा, विश्वामित्र जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा होगा, तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर व्रत के साथ जुड़े रहना, कोई धार्मिक समागम हो, कोई राजनीतिक हो, कोई धार्मिक हो, धार्मिक बढ़कर के हिस्सा लेना, कोई दुशहरा है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, श्री राम नवमी है, कोई शोभा यात्रा है, क्योंकि हमारे गीता मंदिर मॉडल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे माता जी का वो स्वभाव, जैसे कि लोग कहने की बात है कि देवी देवता के समान ऐसे बेटे को जन्म दिया जैसी को, आज समाज में जिनका नाम है इसलिए धार्मिक ज्यादा नहीं, पर वो भगत हैं, कोई भी आ जाए इनके पास, जैसे कि विश्वामित्र जी के पास आते थे, माता जी के पास आना, कोई गरीब आ गया, ये कार्य करना है जी, किसी की शादी करनी है, कोई धर्म संकट में है, तो उसी समय साथ चले जाना, हर वर्ग के साथ उन्होंने साथ दिया। आज डॉक्टर जय शर्मा बैठे हुए हैं, धर्मपत्नी अमिता शर्मा है, इनके बाद भी कोई कभी चला गया, कोई किसी पर, चाहे कोई मंदिर के लिए, चाहे गुरुद्वारे के लिए, कोई संस्था के लिए चले जाए, और इतनी इस कलयुग में माता पिता की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। देखते ही आजकल आप सुनते हैं, माता पिता का ऋण तो हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन देखा कैसा कहीं पति पत्नी ने, दोनों ने जैसे बच्चों को खिलाया करते हैं उठा करके, माता पिता बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना इस प्रकार फर्ज माना कि माता पिता की सेवा करना है, और सीखा जाए तो इन दोनों से, डॉक्टर शर्मा जी से, अमिता शर्मा जी को, परिवार सारा ही धार्मिक विचार में थी, बड़े अच्छे घर में पिपल मारकंडे जी, तमाम प्रदीप मारकंडे जी, पोते डॉक्टर सुकृति दामाद, डॉक्टर अंकुश जी, पोत डॉक्टर जयमन जी, दोत्री शिवानी मारकंडे, दामाद केशव मारकंडे जी, दोत्री श्रिया मारकंडे, बहुत सुंदर फुलवाड़ी है, परमार की कृपा से भगवान की बड़ी दया है, आज समाज में उनका नाम है, परमार के चरणों में अरदास है, यदि वैकुंठ कोष्ठी को दोहराए थे, वो प्रभु का नाम हर समय राम राम जपते रहते थे। आज जैसा कार्यक्रम होगा आपको बताया जाएगा, इंसान जो किस प्रकार अपनी जाति छोड़ जाता है, के रेतली दीवार भूल जाते लोग ने गलाने याद रेंदिया जानते लोग ने रेतली दीवार वांगू पुर जाते लोग ने गलाने याद रेंदिया पुर जाते लोग ने रेतली दीवार वांगू
समाज के हर वर्ग के साडे भैन भरा इतने तुम बड़ी भारी गिणती इकट्ठे हुए। मैं कई बार क्या करता कि आप बाजार जाने दुकान से कोई चीज लेने फाइनल कर लेने भी आह चीज लैनी है, बाद असी दुकानदार को यह पुछते हैं भी इसकी गरंटी कितनी है। कुदरती सितम शरीफी देखो कैसी है, जिहड़ा गरंटी पुछदा है जे उहनूं कोई चीज़ की गरंटी पुछ लवे तो दे सकदा, पर आपां इस दुनिया च विचरदे आ उहदा जिहड़ा असूल बनाया है उस परमात्मा का जिहड़ी सब तों सुप्रीम ताकत है उहदे च मुदाखलत नहीं कर सकते। विश्वामित्र शर्मा जी बहुत वधिया इंसान सन, मैनूं उहनां नाल बहुत चिर रहिण दा मौका मिलिया। डॉक्टर लेखराज शर्मा साडे कांग्रेस के बड़े उगे लीडर रहे हैं, सरदार अमराव सिंह मैंबर पार्लीमेंट रहे, उत्थे पंजाब के मिनिस्टर रहे, चौधरी दर्शन सिंह जी मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहे, ये तिने रूह साढ़े को चले गई हैं। और विश्वामित्र जी चौथे सन जिहड़े असी रोज डॉक्टर साहब की कोठी तकरीबन इकट्ठे होंगे सी, और समाज के धार्मिक तौर पर जिनी नाम ना विश्वामित्र जी ने खटी है ये अज सारे साढ़े सामने। एक तो पुत्र होते हैं, पुत्र वो होता है जो अपने बनाई हुई माँ बाप की जो भी रिस्पैक्ट है उन्होंने बरकरार रख सके, बरकरार रखता है उन्हें। लेकिन सुपुत्र वो होता है जिहड़ा अपने माँ बाप की बनाई हुई च इजाफा करता है, वाधा करता है। तो डॉक्टर जय शर्मा साढ़े अजीज और अमिता जी इन्हां दोनों ने जो कुछ विश्वामित्र जी ने अपना रुतबा समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर बनाया और एक बड़ा वड्डा इजाफा किया। मैं इत्थे बैठा सोच रहा सी, मैं क्या भाई जेडे डॉक्टर साहबान सारे आए हैं ना, एक मिनट का इन्हों को वेल नहीं है, एक मिनट का इन्ने रजेविया जो तुम जो वक्त कट के आए हैं तो उतों लगता है कि डॉक्टर जय शर्मा जी का बड़ा प्यार बड़ा अटुट और उन्होंने नाल बड़ा वड्डा स्नेह। ज्यादा कुछ ना कहने हो
मैं दो तीन सज्जनों को बेनती करनी है जिदा मैं डाक साहब ने कहा भी पाल जी दो तीन शख्सियतों आप जरूर बुला है कंडोलेंस मैसेज भी काफ़ी आए हैं विश्वामित्र जी ने अपनी जी जिंदगी है बड़ी ग्रास रूट तो शुरू की है गल करद बहुत कुछ दसते होंगे सर तो मैं एक शायर दाना लाइना याद आ है वह कहता जिदा पंडित जी ने हम रचना सुनाई है ना रेत की दीवार वर्गो खुर जाते हैं लोग वह कहता है ये दुनिया वाग सराज आपे ये दुनिया वाग सराज आपे कोई तुर जाता कोई आ जाता कोई फुला नार भी हसदा नहीं कोई कंडिया नार दबा जाता ये संघर्ष है जी जिंदगी है जे जो विश्वामित्र जी उठे और किस मुकाम के उत्ते पहुंचे है मैं ज्यादा ना कहद्या हो सब तो पहला बेनती कराँगा उन्होंने बड़े बचपन के यार उन्होंने दोस्त मित्र बनारसी दास शर्मा जी वो आन और अपने मित्र को अपने दिल दिया ढगाइया चो शरदा के फूल भेंट कर बनारसी दास शर्मा जी अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर बजाएंगे काबले ताजी काबले एहतराम काबले इज्जत काबले कदर इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी संबंधी बहन भाइयों और शरीके गम दोस्तों को मैं सर उठाकर नमस्कार करता हूँ पंडित विश्वामित्र मेरे रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दिली दोस्त जिगरी यार हम दोनों इकट्ठे बैठकर दुख सुख की बात किया करते थे आज पंडित जी को हमसे जुदा हुए 11 रोज गुजर चुके हैं इस 11 रोजा खलीजे गम को पुर करने के लिए आज उनकी याद में क्रिया के रूप में ये श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है लेकिन ये गम दगा खाई इतनी गहरी है कि इसको पुर करना कोई आसान काम नहीं पंडित विश्वामित्र नहायत देव मेहरबान खुशखलक जिंदा दिल गरीब परवर फयाज सखी फरिश्ता सूरत फरिश्ता सीरत दोस्तों के दोस्त कामल इंसान थे उनकी जिस कदर भी तारीफ की जाए अधूरी ऐसे नेक इंसान आजकल के जमाने में बहुत कम भविष्य मिलते उनकी मुक्सर मगर भागवत बनी कंपनी की याद हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में तरोताजा रहे ये दुनिया चलती फिरती जाओ इंसान बदल जाने वाली किस्मत है जो कुछ होना होता है वो रहता है इंसान पैदा होता है बचपन चूल्हे में गुजर जाता है जवानी ऐशो शिरत में निकलती है बुढ़ापा नाम रात तंग करता है और आखिर इंसान मौत की लपेट में आ जाता है जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी मौत सच्चा साथी है जो साथ लेके जाएगी दरअसल ईश्वर ने संसार रूपी स्टेज बनाकर इस पर जिंदगी के खेल का ड्रामा रचा हुआ है यहाँ कई महात्मा साधु संत फकीर योगी ऋषि राजे महाराजे एक्टर डायरेक्टर अभिनेता और अपना अपना रोल अदा करने चले जाते अगर किसी का रोल अच्छा हो तो दुनिया उसे याद करती है याद तो बुरे वाले को भी करती है मगर उसे याद करने का ढंग और होता है यूं तो दफन खाक में लाखों इनाम पर जिनका नहीं है नामो निशान तक जमीन पर हाँ जिंदगी में काम है जो नेक का दिया मर कर भी उसके नाम को हासिल हुई बना शर्मा ये सब को कह रहा दो हाथ जोड़ कर करने किया जावे मरने से पीछता मैंने एक किताब पढ़ी है जिंदगी का खेल मौत के बाद मौत का खेल जिंदगी के बाद ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है विस्तार से नहीं कहा जाता फकत इतना कहता हूँ कि पंडित विश्वामित्र की मौत के बाद उनके मृतक शरीर को निराद लाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर फूल मालाओं से लादा गया
एक जुलूस की शक्ल में शमशान धाम ले गए, वहां लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके चिता बनाई। उनके लाडले बेटे ने उस चिता को आग लगा दी, शरीर जलकर राख हो गया। कितना दर्दनाक सीन है कि एक बेटा अपने बाप की चिता को आग लगाए। दिल के पखोले जल से, सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। यहां तक कि नहीं, उनकी हड्डियां रात तक भी इकट्ठी करके एक पोटली में बांध कर हरिद्वार ले जाकर गंगा में बहा दिया। गोया उनके शरीर का नाम और शान तक कर दिया। मगर याद रखे, इस शरीर को जल गया ये फानी है, मगर इसकी आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को आत्मा के बारे में उपदेश दिया था, जबकि वो अभिनु अपने बेटे की बहुत करता था। नैन छिंदति शस्त्राणि नैन व्यक्ति पाप का शोषण की बात का, इस शरीर को न जला सकता है, न जला सकता है, न बहा सकता है। मनसन से जीर्णानी यथा विहाय निवानी विनाती नरो प्राणी तथा विहाय श्री रानी अन्यानी सही नवानी। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। अपने कर्मों के साथ मेरी उम्र 98 साल हो चुकी है। मैं इल्मे ने बेशक पुलिस के महकमे में नौकरी करी है, मगर जन्म से प्रबल इल्मे ने जो को जानता तो नहीं, मगर मानता जरूर हूं। मैं 98 साल तजर्बे की बराबर पूरे वसूख से कह सकता हूं कि पंडित विश्वामित्र की आत्मा की जोत अपने अच्छे कर्मों की बदौलत भगवान शंकर की जोत में जाकर समाप्त हुई है। उन्होंने जिंदगी और मौत पर फतह पाई है और मोक्ष को प्राप्त किया है। ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करके मोक्ष हासिल नहीं कर सकते, जो कि पंडित जी ने अपने अच्छे कर्मों की बदौलत मोक्ष किया। फकत यही कहता हूं, आए थे इस बाग में हम, शायद गुलशन कर चले, संभाले अपना बाग वाली हमको अपने घर चले। जुदाई बहुत असल सदा दस्तूर होता है, बिछड़ जाना ही पड़ता है, तो दिल मजबूर होता है। टू बी टू नो टू लव एंड देन टू पार्ट दिस इज सैड टेल ऑफ मैन यू बना। शेक्सपियर ने ठीक कहा था दोस्ती और प्यार के बारे में, इंडीड देयर इज नो लाइफ विदाउट ए फ्रेंड। The world seems a crowd of company, faces are but a gallery of pictures, and dark but a tinkling symbol where they could have love. Love for Pandit Vishwamitra, love for Pandit Vishwamitra, love for Pandit Vishwamitra. Aaye the is baag mein hum, saare gulshan karte hain, sambhale apna baag wali, hum apne ghar ke liye. Udariya, kehna bhaav bhi nahi aur dil mein jhoon wali sada ki gayi hai. ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਹਰਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਏਗੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਸਭ ਏਕ ਏਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਿਪਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਆ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭੋਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹਰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਲਣ ਤੋਂ, ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਦਾ ਨੀਮਾ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖੇਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਡੇ MLA ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਰਜੀਕਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੂਜਯ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਵਰਗ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਥਨ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। 86 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਅੱਜ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਤਾ ਸਵਸਥ ਰਹੇ, ਅਨਸਮੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਔਲਾਦ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਖ ਚਾਹਾ ਮਗਰ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਨੇਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਨਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਗਏ ਔਲਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਗੁਜ਼ਰੋ ਜੋ ਬਾਗ ਸੇ ਤੋ ਦੁਬਾ ਮੰਗਦੇ ਚਲੋ, ਜਿਸ ਪੇ ਖਿਲੇ ਨਾ ਪੂ, ਉਹ ਡਾਲੀ ਹਰੀ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸਾਡੇ MLA ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
अज भी चाहे कोई गरीब व्यक्ति उन्होंने होस्पिटल चले जाता कदे किसी को ना नहीं की जो भी किया जिन्हें भी किया उन्होंने अपने वालों पूरा सहयोग दिता जिते वो अपने पेशे के इस परिवार का ना है उत्थे धार्मिक प्रवृत्ति के भी इस परिवार का बड़ा वड्डा ना आया। सो मैं उस पर पिता परमात्मा की यही अरदास करता कि उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और पिछे परिवार को भाणा वरतन का बल दे। ओम शांति शांति शांति। हुण मैं बेनती करांगा श्री सुरिंदर सिंह जी बड़े दानिशवर साडे इंसान ओ दो मिनट लई शरदा दे फुल पेंट करनगे। सुरिंदर सिंह प्रभु के अस्तित्व को मैं नमस्कार करता हूँ। सामने बैठा मैं इस तस्वीर को देख रहा था। उज्जवल धवल पर्वत की तरह चमकता हुआ भाग है, जैसे ये सोच के जन्म लिया हो कि ज्ञान जहां से भी जिस सूत्र से उभरेगा मैं उसको अपने मस्तिष्क में धारण करूंगा। नेत्र जिसमें करुणा और स्नेह दोनों एक साथ बरस रहे थे, जैसे कह रहे हो कि समाज के किसी भी वर्ग में जहां कहीं घाव सिलने की आवश्यकता होगी मैं और मेरा परिवार हमेशा आगे रहेगा। होंठ मुस्कुराते हुए जैसे कह रहे हो कि कठिनाइयां तो आती जाती रहती हैं जीवन में, जीवन एक लंबा संघर्ष है लेकिन मैं हमेशा हर हालत में मुस्कुराता रहूँगा और पूरा का पूरा चेहरा प्रकाशमान जैसे एक ओजस्वी व्यक्तित्व। कुछ ही समय पहले जब हम उनके पार्थिव शरीर को अग्नि देवता को समर्पित करके आए तो ऐसा एहसास होता था जैसे उनके व्यक्तित्व की खुशबू हमारे चारों तरफ अब भी है, जैसे हमें अपने दिखाए हुए जीवन के मार्ग पर चलने का संदेश दे रही हो, जैसे आज भी उस विश्व मित्र का आशीर्वाद में उठा हुआ हाथ हमारे सर पर है। मेरा और उनका संबंध, या यूं कहूँ कि मेरा और उनके पिताजी का संबंध बहुत बहुत पुराना है, शायद 60 साल से भी ज्यादा का। सबसे पहली मुलाकात तब हुई जब जिस कॉलोनी को आप लोग आजकल ग्रीन पार्क कहते हैं उसकी आधारशिला और उसकी नींव रखी जा रही थी। 60 साल पीछे सुई घुमाकर देखिए तो वो दो रूहें धूप में खड़े होकर उस कॉलोनी में फ्लड ड्रेन बिछवा रही थी ताकि आने वाले कल में इस इलाके में केरल जैसी कोई त्रासदी न हो सके। ये उन दोनों की दूरदर्शिता का प्रमाण था जो उन्होंने आने वाले कल का उस बीते हुए कल में सोचा और उसको उन्होंने निर्माण मूर्त रूप देख रखा। मेरी यादें कुछ और पीछे जाती हैं। राजशर्मा जी बिल्कुल माँ की तरह, उनकी रसोई में जब कोई बहुत अच्छी चीज बनती और इससे पहले कि उसकी सुगंध हमारे घर तक पहुंचे उनके घर से एक सुंदर कटोरी सजकर हम सब लोगों के घर के लिए आ जाती थी। यही कारण था कि विश्व मित्र को विश्व का मित्र बनाने में राज शर्मा जी का जो स्नेहमयी आवरण था, जिस तरह उन्होंने अपने चारों ओर जितने भी लोग थे उनको अपने आंचल की छांव में ले लिया, यही कारण था कि दोनों ने आगे बढ़कर गांव से आए थे लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू के साथ लेके आए थे। गांव से आए थे लेकिन गांव की सरलता सहजता और सत्य को भी साथ लेकर आए थे और इसीलिए वो पूरा जीवन विश्व मित्र के रूप में अपने नाम को सामने कर सके। मैं जब और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो लंबा जीवन जिए और स्वस्थ रहे क्योंकि वो स्वयं में स्थित थे और अपने विचार और अपने परिवार को दोनों को सीमाओं में रखते थे। 65 साल द्वाबा में उन्होंने पंजाब के पाइन ट्रेड में राज किया लेकिन कभी उनके घर में एक बोतल भी नहीं आई। ये कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादा होती हैं जो विश्वास के साथ लोग करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत बड़े से
बड़ा पिंड नाम के गांव से निकले, और लेकिन एक बात उनके मन में रही, मैं उस पुराने जमाने में अगर ग्रेजुएशन कर पाया तो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे आसपास रहने वाला कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और यही कारण था कि जब कभी किसी के ऊपर माँ सरस्वती की शिक्षा के द्वार बंद होते हुए उन्होंने देखे तो अपने हाथ, अपनी जेब, अपनी तिजोरी, अपना धन उन्होंने पूरी तरह खोल दिया। और इसलिए आज भी इस समाज में सैकड़ों ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीवन इसलिए बन सका क्योंकि उनको विश्वमित्र और राज का आशीर्वाद आर्थिक मिला। दूसरा उनके जीवन का उद्देश्य मैंने हमेशा समझा कि वो आरोग्य भारत का स्वप्न देखा करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार में डॉक्टर बनाए और एक से एक उच्चतम डॉक्टर बनाए। नाम के प्रति उनकी एक अजीब कसर थी, वो चाहते थे, सोचते थे और मानते थे कि जो नाम होता है वो किसी भी व्यक्ति के चरित्र का आधार होता है। विश्वमित्र स्वयं मित्र रहे सबके, राज शर्मा ने प्रेम से दिलों पर राज किया, यश शर्मा ने उनके यश में वृद्धि की, अमिता का हिब्रू में अर्थ सत्य होता है और संस्कृत में अमित होता है, बाउंडलेस होता है, अमिता का नाम चुना, अमिता को उपभव बनाकर लाए ताकि वो सत्य की पराकाष्ठा करती हुई सारी मर्यादाओं को दान कर सबके लिए सुंदर धवल बन जाए। विभिन्न छायादार वृक्षों के आगे इसीलिए बेटी विभिन्न जितने भी नाम देखता हूँ, सुप्रीति कितनी सुंदर, कितने सुंदर नाम है, और मैं समझता हूँ यही कारण है कि सारे परिवार में जिसको एक एक चुन कर नाम विश्वमित्र जी ने दिया उनको साथ में ये साधना की प्रेरणा मिली कि आप अपने अपने नाम को धन्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आज आप सब लोगों ने यहाँ आकर इस दुख की घड़ी में साझेदारी की है, हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हुण मैं आखिर बेनती करांगा चौधरी संतोख सिंह जी साढ़े मैंबर पार्लीमेंट, उन्होंने भी इस परिवार नाल बहुत निकट स्नेह है, बड़ा पुराना वो आउण। बड़े ही रागमय समय इस शहर की बहुत ही प्रमुख शख्सियत पंडित विश्वामित्र शर्मा जी, उन्होंने याद में आप इकत्र है हुए, बहुत कुछ उन्होंने बारे कहा गया। जिंदगी अगर किताब है तो मौत किताब का ही लंबन है, क्योंकि इसमें सब ने इस जाना है, जो मुझे सो बेनस है, जो जन्म लेंदा उसने जाना है। पर जड़ी शख्सियत अपनी जिंदगी में अपने तो बट के होर कुछ कर दिया, समाज वास्ते कर दिया, उन्होंने जान के नाल समाज में एक खिलाफ पैदा वैक्यूम क्रिएट होता है। विश्वामित्र जी उन्होंने शख्सियत जो सन गुराया के नाल बड़ा पिंड है, उत्थे जन्म लेके उठो उठ के शहर में आए, और पंजाब में उन्होंने लिंकर किंग के नाम से जाना जाता है, सब तो बड़े वाइन मर्चेंट पंजाब में, पर आप कभी वाइन टच नहीं थी, ये उन्होंने क्वालिटी सी। करोड़ों का बिजनेस, मल्टी ग्रोथ बिजनेस, पर अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में चले डॉक्टर बनाया, नहीं तो अब जयश्री सैकड़े करोड़ का बिजनेस करता है, पर डॉक्टर बनाया क्योंकि उन्होंने जी सोच सी, उन्होंने विचारधारा से जी उन्होंने फिलोसफी से आइडियोलॉजी से उस समाज की सेवा करते, व्यापार फायदा करते,
पर सब तो ज्यादा मंदिरों की सेवा करते थे, चाहे वह गीता मंदिर है, चाहे आदर्श नगर वाला मंदिर है, चाहे वह दशहरा कमेटी है, जितने भी धार्मिक जो प्रोग्राम से उन्होंने प्रमोट कर सब तो ज्यादा योगदान वो पाते और इस जिस तरह बाल जी ने कहा है पंडित लेखराज उन्होंने रोज़ डेली जाते रोज़ मैं भी उत्थे जो जाता से तो पंडित विश्वामित्र जी उत्थे बैठे होते पांच छह दिन जिस तरह ने दसिया लोगों और उत्थे कोई विश पंडित जी का घर क्लब नहीं सी उत्थे डिस्कशन ही समाजिक डिस्कशन पोलिटिकल डिस्कशन इस तरह की चीज़ों के विचार उत्थे हमेशा होंगे तो मैं देखा कि उस डिस्कशन के पंडित जी सब तो ज़्यादा हिस्सा लेते ज़्यादा सो बड़े एक्टिव हर फील्ड में उन्होंने रुचि सी और एक बहुत ही महत्ता हुआ गुरदस्ता अपनी जी परिवारिक विरासत है उसके तौर पर छट के गए डॉक्टर यश जिले जड़ियों मैडम आ गए उन्होंने चलते हुए समाज में हर फील्ड में सरगर्म है चाहे वह लॉयन क्लब है चाहे रोटरी क्लब है चाहे वह आई एम ए है चाहे वह दीमा है चाहे वह मेडिकल काउंसिल पंजाब की है या होर हर एक बिल्कुल पहली कतार हमेशा रहे ठीक क्या बेरी जी ने बहुत सारे साडा फील्ड ऐसा कि साढ़े बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते जो गरीब होंगे तो जो भी डॉक्टर जस ने डॉक्टर अमिता को किसी गरीब को किसी लोड़वंद भेजते हैं तो खड़े फते उन्होंने मुफ्त इलाज करते हैं सो हर क्वालिटी जो पंडित विश्वामित्र से वो डॉक्टर जस डॉक्टर अमिता उन्होंने सिस्टर विपन उन्होंने काम बच्चे सारे जो जो संस्कार उन्होंने संस्कार कैरी करते हुए डॉक्टर विश्वामित्र जी की जी सोच से उसको जिंदा ही नहीं रख रहे उसको होर अगे बता रहे विश्वामित्र जी एक जोत से उस टॉर्च को बड़ी बेखूबी के नाल डॉक्टर जश उसको कैरी कर रहे हैं सो मैं समझता है कि पंडित जी के जान के नाल एक परिवारिक सिस्टम्स जरूर घाटा पे बहुत पूरी एज उन्होंने की उन्होंने मित्र उन्होंने दोस्त इतने 98 ईयरस ओल्ड जोड़े वो कहीं उन्होंने आवाज में कड़क सी वो इस करके कि जो पुराने लोग से उन्होंने जी लाइफ स्टाइल वो सादा से उन्होंने जी सोच से वो स्वच्छ होंगी डिसिप्लिन होंगी सो अज मैं समझता कि आप सारे इकत्र हुए हैं इतने उन्होंने श्रद्धांजलि दें पर डॉक्टर पंडित विश्वामित्र जी की जी शख्सियत से उन्होंने जी विचारधारा से हमेशा जिंदा जिंदा रहेगी और मैं पूरा यकीन है कि डॉक्टर जस उन्होंने जी याद है उन्होंने जो ना है उसको होर उच्चा करना सो मैं इन्होंने शब्दों के नाल मैं उन्होंने चरण शब्द के फुल पेंट करता है परमात्मा के अरदास करता है कि जिथे उन्होंने स्वर्ग उन्हों का वासा हो परिवार को शक्ति मिले डॉक्टर यश को शक्ति मिले कि पंडित विश्वामित्र जी जो टॉर्च उन्होंने पढ़ा गए उसको होर उच्चा कर आप ही जिंदगी दी बुलंदियों पर पहुँचन और उन्होंने नाम हमेशा वास्ते अगे रख चमका उसको होर उजागर कर यही परमात्मा अगे अरदास है मैं डॉक्टर साहब वालों हुक्म होया है कि तुम सारे परिवार को धन्यवाद कर दो सो मैं जिन्हें भी तुम सारे शहर की करीब इत
ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਭਿਜੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ
इस कलयुग में माता पिता की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। देखते ही आजकल आप सुनते हैं, माता पिता का ऋण तो हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन देखा कैसा के रेतली दीवार वांगू भुल जाते लोक ने गलाने याद रहंदिया तुर जाते लोक ने रेतली दीवार वांगू भुल जाते लोक ने गलाने याद रहंदिया तुर जाते लोक ने रेतली दीवार। जेड़ा गरंटी पुछदा पिया है जे उन्हों कोई चीज की गरंटी पुछ ले तो वह दे सकता, पर आप इस दुनिया विचरदा जो सबूल बनाया है उस परमात्मा का जी सब तो सुप्रीम ताकत है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। विश्वामित्र शर्मा जी बहुत वधिया इंसान सन, मैनू उन्होंने बहुत चिर रहने का मौका मिलेगा। डॉक्टर लेखराज शर्मा साढ़े कांग्रेस के बड़े उगे लीडर रहे हैं, बल्कि दिली दोस्त जिगरी यार, हम दोनों इकट्ठे बैठकर दुख सुख की बात किया करते थे। आज पंडित जी को हमसे जुदा हुए 11 रोज गुजर चुके हैं। इस 11 रोजा खलीजे गम को पुर करने के लिए आज उनकी याद में लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फर्मा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति नूं स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र चाहिए कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। शास्त्र च लिखे वाले कथन पंडित विश्वामित्र शर्मा जी ते पूरा टुकदा है। 86 साल उम्र, अज उम्र इन्नी सुखना होती जाती है, पूर्णता स्वस्थ रहे, अंत समय कुछ दिन बीमार रहे, पर फर्मा बरदार औलाद डॉक्टर यश शर्मा के रूप में पाई, एक बेटी के रूप में पाई। उन्होंने अपने जीवन के प्यार ही पाया, प्यार ही मंडिया, अज की हाजिरी इसे गल का सबूत है। उस विश्वामित्र का आशीर्वाद में उठा हुआ हाथ हमारे सर पर है। मेरा और उनका संबंध, या यूं कहूँ कि मेरा और उनके पिताजी का संबंध बहुत बहुत पुराना है, शायद 60 साल से भी ज्यादा का। सबसे पहली मुलाकात तब हुई जब जिस कॉलोनी को आप लोग आजकल ग्रीन पार्क कहते हैं उसकी आधारशिला और उसकी नींव रखी जा रही थी। 60 साल पीछे सुई घुमाकर देखिए तो वो दो रूहें धूप में खड़े होकर उस कॉलोनी में फ्लड ड्रेन बिछवा रही थी ताकि आने वाले कल में इस इलाके में केरल जैसी कोई त्रासदी न हो सके। ये उन दोनों की दूरदर्शिता का प्रमाण था जो उन्होंने आने वाले कल का उस बीते हुए कल में सोचा और उसको उन्होंने निर्माण पूर्त रूप देख रखा। मेरी यादें कुछ और पीछे जाती हैं। राज शर्मा जी बिल्कुल माँ की तरह, उनकी रसोई में जब कोई बहुत अच्छी चीज बनती और इससे पहले कि उसकी सुगंध हम हमारे घर तक पहुंचे, उनके घर से एक सुंदर कटोरी सजकर हम सब लोगों के घर के लिए आ जाती थी। समाज वास्ते करते हैं, उन्होंने जान के नाल समाज में एक खला पैदा वैक्यूम क्रिएट होता है। विश्वामित्र जी होना शख्सियत जो सन गुरुआ के नाल बड़ा पेंड है, उत्थे जन्म लेके उठ के शहर में आए,
और पंजाब में उन्होंने लीकर किंग के नाम से जाना जाता है। सब नो बड़े वाइन मर्चेंट पंजाब के, पर आप कभी वाइन टच नहीं थी, ये उन्होंने क्वालिटी से करोड़ों का बिजनेस, मल्टी क्रोड बिजनेस, पर अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में गया, डॉक्टर बनाया। नहीं तो अच चश भी सैकड़े करोड़ का बिजनेस करता है, पर डॉक्टर बनाया, क्योंकि उन्होंने जी सोच से उन्होंने विचारधारा से जी उन्होंने फिलोसफी से आइडियोलॉजी से वो समाज की सेवा करती। श्रीनिवास शांत ब्रह्मा शांति सर्वागम शांति शांति रे शांति सहावा शांति रे सुशांति भवतुं गजान भोगनादिशितम कपित जम्बुकुलचार भक्षणम उमा सुखम शोकनाशिकारकम नमामि विघ्न सर्वपाद मंगलम। ओम श्री गणपते नमः। मकर कुंड महाकाय सूर्य कोटि स्वर्णम कुरुदेव सर्वकारिषु सर्वदा ओम श्री महागणाधिपते नमो नमः। ओम।